आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपए का टी वर्ष का है। टी का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नया आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इस तरह का प्रश्न मिले तो सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, ठीक। पहला व्यक्ति, पहले व्यक्ति का पी क्या है, 1500 रुपए। पहले व्यक्ति का P1 माना है, ठीक। और R1 क्या है, 6%। और T1 क्या है, 10 वर्ष। दूसरा व्यक्ति का, दूसरा व्यक्ति का R1 R2 कितना है, 5%। और P2 कितना है, 3000 रुपए। और हमें P2 यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जब दो व्यक्तियों का इस तरह से आपको दिया रहे और लास्ट में जो साधारण ब्याज है उतना ही कहे, मतलब बराबर, ठीक। तो पहले व्यक्ति का ब्याज बराबर दूसरे व्यक्ति का ब्याज, ठीक। पहले व्यक्ति का ब्याज बराबर दूसरे व्यक्ति का ब्याज, यहां पर क्या हो जाएगा, P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2 से सॉल्व कर लेंगे हम T2 का मान। कैसे होगा, पहले व्यक्ति का 1500 गुणे R1 का मान क्या है, 6। T1 का मान क्या है, 10। दूसरे व्यक्ति का P 3000 है, R2 कितना है, 5। और हमें T2 ज्ञात करना है। कैसे होगा भाई, T2 बराबर 1500, ये 10 है इधर, 1 0 और बढ़ा रहते हैं, गुणे 6 बटा ये वाला पोर्शन इधर मल्टीप्लाई में T2 के इधर आएगा 5 में, 3000 गुणे 5, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 × 5 5 × 15, ठीक। तो ये 3000 पूरा कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 6 वर्ष। तो जो टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, 6 वर्ष। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।